प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह दिल्ली से रूस के लिए रवाना हो गए हैं। वह दो दिनों के लिए रूस दौरे पर रहेंगे और रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात होगी। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने और ब्रिक्स समिट में शामिल होने का न्योता भेजा था। रूस पहुंचने के बाद पीएम मोदी आज देर शाम को ब्रिक्स लीडर्स के साथ डिनर में शामिल होंगे। इस दौरान ही उनकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। साथ ही इस दौरान उनकी कई लीडर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत भी हो सकती है। हालांकि ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्ष लीडरों के साथ पीएम मोदी औपचारिक द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है। बताया जा रहा है कि ब्रिक्स समिट में कुल 28 देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संस्थापक सदस्यों के साथ साथ नए सदस्य भी भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन 22 अक्टूबर को होगा और पहले दिन शाम को नेताओं के लिए रात्रि भोज होगा। शिखर सम्मेलन का मुख्य दिन 23 अक्टूबर है, जिसमें दो मुख्य सत्र होंगे। सुबह एक क्लोज प्लेनरी सेशन और उसके बाद दोपहर में एक ओपन प्लेनरी सेशन, जो कि शिखर सम्मेलन के मुख्य विषय को समर्पित होगा। समिट के बाद ब्रिक्स देशों का साझा बयान यानी कजान डिक्लेरेशन जारी होगा। विभिन्न नेताओं द्वारा कजान डिक्लेरेशन को अपनाने की भी उम्मीद है, जो कि ब्रिक्स के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेगी। विदेश सचिव ने बताया कि शिखर सम्मेलन 24 अक्टूबर को समाप्त होगा, लेकिन प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं के कारण 23 अक्टूबर को नई दिल्ली लौटेंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर को ब्रिक्स प्लस देशों के सेशन में भारतीय डेलीगेशन को विदेश मंत्री एस जयशंकर लीड करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हैं। ब्रिक्स के संस्करण का विषय है न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। विदेश सचिव ने कहा कि भारत ब्रिक्स में बहुत महत्व रखता है और इसके योगदान ने आर्थिक विकास, सतत विकास और वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के प्रयासों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले साल जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन हो रहा है। रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया गया है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।